हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश अमान। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन ए हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी होता है, शरीर में विटामिन ए की कमी होने पर क्या लक्षण होते हैं और शरीर में विटामिन ए की कमी होने पर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और ये भी डिस्कस करेंगे कि शरीर में विटामिन ए की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। विटामिन ए को रेटिनोल के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए एक फैट सोलुबल विटामिन है। विटामिन दो तरह के होते हैं, एक फैट सोलुबल और दूसरा वाटर सोलुबल। फैट सोलुबल विटामिन हमारे शरीर के अंदर स्टोर होते हैं और वाटर सोलुबल विटामिन हमारे शरीर के अंदर स्टोर नहीं होते हैं। शरीर में वाटर सोलुबल विटामिन की ज्यादा मात्रा होने पर वाटर सोलुबल विटामिन पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए वाटर सोलुबल विटामिन को हर रोज लेना जरूरी होता है। और फैट सोलुबल विटामिन को अगर हम हर रोज नहीं लेते हैं तो हमारा शरीर के अंदर स्टोर विटामिन से काम चला लेता है। विटामिन ए का कम मात्रा में सेवन करने से कई प्रकार की गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, और विटामिन ए का ज्यादा सेवन भी शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन ए आंखों की रोशनी को बढ़ाने में सहायक होता है और साथ ही हमारे शरीर की त्वचा को स्वस्थ जवान बनाए रखता है। विटामिन ए का प्रतिदिन सही मात्रा में सेवन करने से त्वचा स्वस्थ व चमकदार बनी रहती है। इसके अलावा विटामिन ए शरीर के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। शरीर में विटामिन ए की कमी होने पर शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, और इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से आपको कोई भी इन्फेक्शन या बीमारी आसानी से बीमार कर सकती है। हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी के साथ साथ विटामिन ए भी बहुत जरूरी होता है। शरीर में विटामिन ए की कमी होने पर शरीर की हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। शरीर में विटामिन ए की कमी होने पर रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस होने पर व्यक्ति को रात के समय में कम दिखाई देता है। इसके अलावा शरीर में विटामिन ए की कमी होने पर आंखों में सूखापन हो सकता है, और विटामिन ए की कमी बहुत ज्यादा होने पर अंधापन भी हो सकता है। इसके अलावा बाल रूखे हो सकते हैं, त्वचा रूखी या बेजान हो सकती है, त्वचा में खुजली होना, त्वचा पर रैशेस होना, शरीर में थकान व कमजोरी रहना, नींद न आना, वजन कम होना, होंठों का फटना, बार बार सर्दी व जुकाम होना आदि लक्षण शरीर में विटामिन ए की कमी होने पर हो सकते हैं। शरीर में विटामिन ए की कमी होने पर कोई चोट लगने के बाद घाव को भरने में लंबा समय लग सकता है। अब हम डिस्कस करें कि शरीर में विटामिन ए की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए पालक, गाजर, आम, पपीता, पनीर, अंडे, घी, टमाटर, सोयाबीन, ऑयली फिश, दूध और दही आदि का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। वैसे शरीर में विटामिन ए की कमी को विटामिन ए के कैप्सूल की मदद से भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर विटामिन ए के कैप्सूल को लेने की सलाह तभी देते हैं जब किसी व्यक्ति को विटामिन ए की सीवियर डिफिशियंसी हो। विटामिन ए एक फैट सोलुबल विटामिन है जो लीवर के अंदर स्टोर होते हैं। विटामिन ए के कैप्सूल को ज्यादा डोज में लेने से विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसकी वजह से बालों का पतला होना, बालों का झड़ना, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, भूख कम लगना, वजन कम होना, त्वचा का ड्राई होना, होंठों का फटना और शरीर में थकावट रहना आदि साइड इफेक्ट्स विटामिन ए के कैप्सूल की वजह से हो सकते हैं। इसलिए विटामिन ए के कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के बिना विटामिन ए के कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। हमारे शरीर को प्रतिदिन कितनी मात्रा में विटामिन ए की जरूरत होती है, इसके लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए चार्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके